मित्रों, वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके सितंबर महीने के राशिफल के विषय में, कि सितंबर का महीना आप मिथुन राशि के जातकों का कैसा जाने वाला है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि ग्रहों की आपके गोचर में स्थिति क्या कहती है। तो आइए जानते हैं, सूर्य जो कि सिंह राशि में अभी मंगल, बुध एवं शुक्र के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, 17 सितंबर को ये अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। मंगल भी अभी सूर्य, बुध और शुक्र के साथ अपनी मित्र राशि सिंह में अस्तावस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन 25 सितंबर को ये भी अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश करेंगे अस्तावस्था में। बुध भी अपनी मित्र राशि सिंह में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ संचार कर रहे हैं अस्तावस्था में। 10 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि कन्या में, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, उसमें प्रवेश करेंगे और 20 सितंबर को ये पश्चिम में उदय होंगे। 29 सितंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और मित्रों, गुरु बृहस्पति जो कि वृश्चिक राशि में मार्गी स्थिति में संचार कर रहे हैं, वो पूरे माह इसी प्रकार उनका संचार चलता रहने वाला है। शुक्र जो कि अपनी शत्रु राशि सिंह में सूर्य, मंगल और बुध के साथ संचार कर रहे हैं अस्तावस्था में, 9 सितंबर को ये अस्तावस्था में ही अपनी मित्र और नीच की जो इनकी राशि कन्या है उसमें ये प्रवेश करने वाले हैं और 29 सितंबर को ये पश्चिम में उदय भी हो जाएंगे। शनि अपनी सम राशि धनु में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ संचार कर रहे हैं, पूरे माह उनका संचार इसी प्रकार होता रहेगा, लेकिन 18 सितंबर को ये मार्गी हो रहे हैं। राहु अपनी उच्च की राशि जो इनकी मित्र राशि भी है मिथुन, उसमें इनका संचार पूरे माह इसी प्रकार चलता रहने वाला है। केतु भी अपनी जो उच्च की राशि धनु है उसमें अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ इनका संचार पूरे माह इसी प्रकार होता रहने वाला है। तो मित्रों, यह हमने आपके साथ चर्चा करी थी जो आपके ग्रहों की गोचर में स्थिति है उसके विषय में। आइए अब जानते हैं कि आपका राशिफल इस महीने का क्या कहता है। सबसे पहले बताएंगे आपको आपके व्यवसाय के विषय में। तो आइए व्यवसाय के विषय में चर्चा कर लें। इस माह जो आपका दृष्टिकोण है वह बहुत ही चतुराई और चुस्ती एवं चालाकी से भरपूर रहेगा, यानी कि पूरा एटीट्यूड जो आपका होगा वो इस प्रकार का होगा और इसका पूरा उपयोग आप अपने व्यवसाय में भी करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आप नई और भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां एवं दांव पेश प्रयोग में लेकर आएंगे। अपने व्यापार को बढ़ाने में जो भी, या आप रोजगार से भी जुड़े हुए हैं तो वे भी सब इसी प्रकार का ही दृष्टिकोण रखेंगे और अपनाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो ऊर्जा का स्तर है, एनर्जी लेवल, वह भी माह के मध्य तक भरपूर रहने वाला है। साथ ही जो भी कार्य आप करने वाले हैं बहुत ही बहादुरी एवं निडरता के साथ करेंगे। इस माह के मध्य तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। मित्रों, अगर आप खेल कूद आदि से भी जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए सफलता से भरपूर रहने वाला है। और अगर आप सरकारी क्षेत्र जैसे पुलिस बल है सेना है या फिर मेडिकल क्षेत्र में जाने के इच्छुक हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, और इस अवधि में अगर आप ऐसी किसी भी लिखित या प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठते हैं तो आप पूर्ण रूप से सफल होने वाले हैं। महामध्य से अंत तक अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपके कार्य बन सकते हैं और उन कार्यों के लिए यह समय बहुत उपयुक्त है। मित्रों, वित्तीय स्थिति, आय में इस माह कमी के कुछ संकेत हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके कार्य धन की कमी के कारण नहीं रुकने वाले। आर्थिक स्थिति इस माह सामान्य से ऊपर रहने वाली है और माह के अंत में सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध, इस माह के पहले सप्ताह में तो आपको अपने प्रेम संबंधों में मामूली सुधार के ही संकेत मिलने वाले हैं। इसके बाद पूरे माह कुछ विशेष प्रगति आपको होती नजर नहीं आएगी। विवाहित व्यक्तियों के पूरे माह वैवाहिक संबंधों में कुछ विचारों में मतभेद होने के कारण नापसंदगी का वातावरण आपके बीच में बन सकता है घर के अंदर। आइए अब आपकी संतान के विषय में चर्चा कर लें। तो मित्रों, यह माह आपकी संतान के लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर नहीं आ रहा है इस महीने, विशेषकर उनकी शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो। या तो आपकी संतान के द्वारा इस माह गंभीरता से प्रयास नहीं किए जाने वाले हैं, या फिर शिक्षा प्राप्ति को लेकर जिसका सीधा प्रभाव परिणामों पर ही पड़ने वाला है। अगर प्रयास नहीं करेगी संतान तो प्रभाव तो पड़ना ही है परिणामों पर, या फिर प्रयासों के बावजूद भी परिणाम अनुकूल नहीं रहने वाले हैं जितना वो चाहेंगे उसके अनुसार। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति को देखते हुए
हम यही सुझाव देंगे कि आप अपनी संतान को गंभीर प्रयासों के लिए प्रेरित करें ताकि वो बहुत ज़्यादा परिणाम प्रतिकूल उनके ना बने ना हो, उनमें कुछ ही कमी हो, ज़्यादा ना हो। स्वास्थ्य, तो मित्रों इस माह अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत नहीं रहे तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी प्रतिकूल दिखाई दे रही है। उपाय क्या किए जाएं इस माह के जितने भी इस तरीके के जो प्रतिकूल प्रभाव बने हुए हैं आपके ऊपर ग्रहों के, उनसे आपको छुटकारा मिले और लाभ प्राप्त हो। तो आइए मित्रों, नंबर एक, केले के वृक्ष की पूजा करनी है आपको प्रत्येक गुरुवार को। नंबर दो, लक्ष्मी जी के मंत्रों की 3 माला प्रतिदिन आपको करनी है, लक्ष्मी जी के मंत्रों की। मंत्र क्या है? ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह है मंत्र जिसका आपने 3 माला प्रतिदिन करना है। और शुक्रवार के दिन गाय को खीर पूरी पर रखकर अगर खिलाएंगे तो अति उत्तम आपको फल प्राप्त होने वाले हैं। गाय की भी सेवा कीजिए इस माह, पूरे माह बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। तो ये थे उपाय मित्रों, बड़े सरल और बहुत आसान उपाय जो आपको बताए गए हैं, आप इनको कीजिए और अपने जीवन में सितंबर के महीने में लाभ प्राप्त कीजिए। मित्रों ये राशिफल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि जो भी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं, वीडियोज़ हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो भी आसानी से आप तक पहुँच सकें और आप उनका भी लाभ प्राप्त आसानी से कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद, जय माता दी।